So good evening everyone. Today we are going to learn pandas for machine learning, and in this process please open your Jupyter notebook. Please open your Jupyter notebook. Okay. Good evening everyone, please open your Jupyter notebook. Aaj happy independence day hai. So happy independence day everyone. theek hai, aap sab log apna Jupyter notebook aur any python id aap open karo. In between main aapko ye machine learning course ka jo flow hai wo ek bar describe kar deta hu. आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बेनिफिट्स आपको डिस्कस करूँगा, फिर आपका ये कोर्स में स्टार्ट. तो जो हमारा पाथ है मशीन लर्निंग का, मशीन लर्निंग कोर्स में फर्स्ट वी आर कंप्लीटिंग पाइथन. पाइथन कंप्लीट कर रहे हैं. पाइथन में अभी तक हमने क्या किया है, पाइथन में अभी तक हमने डेटा टाइप लर्न किया है. डेटा टाइप में बेसिक डेटा टाइप एंड बेसिक डेटा टाइप के अलावा हमने लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल सबको लर्न किया है. उसके बाद मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स एंड एल इफ सबको डिस्कस किया, लूप डिस्कस किया है. उसके बाद मैंने फंक्शन डिस्कस किया है. ठीक है, इसके बाद मैंने नम पाई डिस्कस किया. नम पाई के प्रैक्टिस सेशन भी मैंने करवाया आपको. अब पांडास हम लोग कर रहे हैं. पांडास के बाद डेटा विजुअलाइजेशन थोड़ा करेंगे. डेटा विजुअलाइजेशन, ओके. एंड डेटा विजुअलाइजेशन के बाद आपको डेटा पे सीधे काम करना सिखाएंगे, मतलब ML एल्गोरिदम जो होते हैं वो सीधे डेटा पे इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग क्लास मैं आपको थोड़ा सा अनअकैडमी के बेनिफिट्स बता देता हूँ. एक तो अनअकैडमी को आप रजिस्टर किए, इट्स फ्री इन द स्टार्टिंग. एंड प्लीज़ फॉलो माय प्रोफाइल अरुण कुमार दुबे ऑन अनअकैडमी. आप अनअकैडमी पे अरुण कुमार दुबे सर्च करेंगे और unacademy.com @AKDLive यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कीजिए. वहाँ पे आप मुझे कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, मशीन लर्निंग से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी. वहाँ मैसेज का ऑप्शन है, आप मुझे मैसेज कीजिए, आई विल रिप्लाई. ओके, सो मैं आपके अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ. माई सेल्फ अरुण कुमार दुबे, करेंटली आई एम परसुइंग PhD इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड माई एरिया ऑफ रिसर्च इज डीप लर्निंग. एंड आई हैव 8+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस. आई ऑल्सो टीच गेट सब्जेक्ट एडा, एल्गोरिथम डिजाइन एनालिसिस, डेटा स्ट्रक्चर, TOC, कंपाइलर डिजाइन एंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैव क्वालिफाइड UGC नेट एंड गेट एग्जाम विद गुड रैंक. नाउ द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस, प्लीज ज्वाइन अनअकैडमी प्लस विद कोड AKDLive. कोड आपको क्या यूज करना है, AKDLive टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. जब भी आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करें तो AKDLive आप कोड अप्लाई कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स. कोर्सेज अवेलेबल हैं बोथ आर इन बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. इवन मेनी इंस्ट्रक्टर आर टीचिंग वन सब्जेक्ट लाइक डेटा स्ट्रक्चर को कई टीचर आपको मिल जाएंगे, एल्गोरिथम पे बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे. तो अगर कोई कॉन्सेप्ट है आपको वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, देन
आप किसी और इंस्ट्रक्टर से सेम ये वन सब्सक्रिप्शन के से ही आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, किसी और इंस्ट्रक्टर से वो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं और उसको क्वेरी पूछ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वन टू वन इंट्रैक्शन इन ऑन अनअकैडमी। डाउट क्लियरिंग क्लासेज आर देयर ऑन अनअकैडमी, हमें स्पेशली डाउट क्लियरिंग क्लासेज होती हैं, आपको टॉपिक मेंशन रहेगा उसके डाउट आप पूछ सकते हैं, लाइव डाउट पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं और टीचर उसको रिप्लाई करते हैं। वीकली टेस्ट हम अनअकैडमी पे कंडक्ट कराते हैं, वीकली टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। आरआईबी क्लासेस आर देयर, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, क्रैश कोर्सेज आर देयर इन केस आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और विद इन स्पैन ऑफ टाइम यू वांट टू रिवाइज इट, देन क्रैश कोर्सेज आर देयर। लाइव क्लासेज आर देयर ऑन अनअकैडमी, फ्री लाइव क्लासेज आर देयर, जैसे मैं अभी स्पेशल क्लासेज अनअकैडमी पे ले रहा हूँ, फ्री लाइव क्लासेज ऑन मशीन लर्निंग, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ पे मुझे क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। दीज आर द यूट्यूब चैनल से हम लोग एसोसिएटेड हैं, हमारी टीम एसोसिएटेड है अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस, प्लीज़ सब्सक्राइब अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस, अनअकैडमी गेट क्वेश्चन, अनअकैडमी गेट सी, अकेडमी गेट एम ई पी आई एक्स सी, अनअकैडमी एस एस सी जेई, अनअकैडमीट्रिक्स गेट ई सी एन एन, ओके। एंड द सब्सक्रिप्शन आप अपना गोल पिक कर सकते हैं कोई भी, और उससे रिलेवेंट बहुत सारे कोर्स आप मटेरियल आपको अवेलेबल होंगे वो आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, नेट बैंकिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एकेडी लाइव जो मेरा कोड है वो आप अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ आवर फेसबुक पेज क्वेट्रिक्स, आवर टीम फेसबुक पेज, प्लीज़ बी ए मेम्बर ऑफ आवर फेसबुक पेज एंड थैंक यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पांडास, सेकेंड सेक्शन जो है पांडास का रह गया है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, आई होप कि इन बिटवीन यू हैव ओपन योर पाइथन आईडी, आपने अब पाइथन आईडी अपना ओपन कर लिया है। अब मैं पाइथन आईडी, आपने अगर जुपिटर नोटबुक ओपन किया है तो देन बेस्ट, अगर आपका जुपिटर नोटबुक या एनी पाइथन आईडी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, गूगल कोलैब पे कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस पांडास इन द क्लास कहाँ तक किया था वो यहाँ अभी मुझे विजिबल हो जाएगा। हमने ये डेटा फ्रेम क्रिएट करना सीखा था, तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डेटा फ्रेम, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डेटा फ्रेम, कैन एनीवन रिप्लाई, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ डेटा फ्रेम वॉर मैट्रिक्स। आप जो है आप क्या करते हो, नम पाई में मैट्रिक्स क्रिएट करते हो, नम पाई में वेक्टर क्रिएट करते हो, और जब आप पांडास की बात करते हैं तो पांडास क्या है, इट इज़ एडवांस वर्जन ऑफ, एडवांस वर्जन ऑफ नम पाई, इट इज़ एडवांस वर्जन ऑफ नम पाई। हम इस पर सीरीज क्रिएट करते हैं और डिफरेंट लेवल के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, डेटा फ्रेम में मल्टीपल डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं। इंडेक्सिंग जो हम नम पाई में बात करते हैं तो इंडेक्सिंग में क्या है, वहाँ 0, 1, 2, 3 इस तरीके से इंडेक्सिंग या फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1, -2, -3 चलती है। इसमें जो लेबल्स हम क्रिएट करते हैं उससे हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जो इंडेक्स वैल्यू है वो आपकी स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, तो दोनों परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो 5 मिनट में हम जो है रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया है। हमने एक डेटा क्रिएट किया था, डेटा डॉट सी एस वी फाइल, डेटा डॉट सी एस वी फाइल एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसमें ये जगह आपका डेटा डॉट सी एस वी फाइल है। ओके, इसको थोड़ा जूम करते हैं ताकि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो, आई होप ये थोड़ा सा बेटर है, 150 कर देते हैं। ओके, नाउ इट्स 150। तो यहाँ पे मैंने एक डेटा सेव कर रखा है डेटा डॉट सी एस वी, इस फाइल को ओपन करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या डेटा है। दिस पीसी, इन दिस पीसी सी यूजर मच एंड मशीन लर्निंग, ठीक है ये आपका डेटा है। इसमें थोड़ा चेंज करके आप हम आज इंप्लीमेंट करेंगे, वी विल इंप्लीमेंट आफ्टर डूइंग सम चेंज ऑन द डेटा। उसके बाद हमने डेटा फ्रेम रीड किया, डेटा सी एस वी फाइल रीड की, उसको एक डेटा फ्रेम में स्टोर किया, उसको डिस्प्ले किया है। देन हमने लिस्ट के थ्रू कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं उसको लर्न किया था, एक लिस्ट क्रिएट किया था और उसको डेटा फ्रेम
कंस्ट्रक्टर में पास करके हमने जो है डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। तो डेटा फ्रेम क्या होता है, मल्टीपल डेटा टाइप आपका स्टोर कर सकता है। यहाँ पे एक डिक्शनरी के थ्रू मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। 5 मिनट में लास्ट क्लास को रिवाइज करेंगे, देन हम क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया था जिसमें की और वैल्यूज़ होते हैं। की मैंने लिया था और वैल्यूज़ मैंने जो है एज अ लिस्ट इंसर्ट किया था। तो नेम के करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो एज अ लिस्ट इंसर्ट हुए हैं, अरुण, पंकज, ये सारा। तो डिक्शनरी के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट करना हमने लर्न किया था। सीधे डिक्शनरी को आप pd.data फ्रेम में पास करेंगे तो वो आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। नाउ आप किसी भी कॉलम को एक्सेस कर सकते हैं। फिर मैंने लर्न किया था कि कैसे आप डेटा फ्रेम, जो एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है उसमें न्यू कॉलम कैसे ऐड करेंगे। फिर ड्रॉप करना हो तो ड्रॉप एक्सिस 0, एक्सिस 1, 2 ऑप्शन है। अगर आप रो को ड्रॉप करना चाहते हैं तो एक्सिस 0 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को और ड्रॉप करना चाहते हैं देन एक्सिस 1। फिर मैंने लर्न किया था यहाँ पे, ये हमने रो को ड्रॉप किया है। नाउ डेटा फ्रेम, हाँ, इन केस आप ड्रॉप परफॉर्म करते हैं रो और कॉलम में, तो रो जो ड्रॉप परफॉर्म करेंगे उसमें जो चेंज होगा ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज नहीं होता है। सो व्हाट डू? यू क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम एंड स्टोर द ड्रॉप वैल्यू इन अ न्यू डेटा फ्रेम। अदरवाइज इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज इन ओरिजिनल डेटा फ्रेम देन यू हैव टू यूज़ इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ठीक है, और हमने क्या लर्न किया था, ये सारा कंप्लीट करके हमने कॉलम प्रिंट करना, कॉलम की वैल्यूज प्रिंट करना, ऑटोमोबाइल डेटा, एक मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया था एक डेटा सेट। आप भी कोई भी डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं, CSV फाइल, एक्सेल फाइल, आप उसे डाउनलोड करके उसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने उस ऑटोमोबाइल डेटा सेट को डाउनलोड किया था एंड देन मैंने यहाँ पे ये उसको डिस्प्ले किया था। सेम ऑपरेशन जो मैंने ऊपर कर रखा है, कॉलम्स को ड्रॉप करना और रोज को ड्रॉप करना, वो इसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें मैंने कॉलम चेक किया था, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डॉट मैक्स और डॉट मिन फंक्शन से मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, फिर इन एनी डेटा फ्रेम इफ आई वांट टू डिस्प्ले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो आई कैन यूज दिस इंडेक्स। स्टेटिक्स और इज नल नॉट नल हमने फाइंड किया था। फिल विथ एनी वैल्यू, जो आपकी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उसको आइडेंटिफाई किया था। मिसिंग वैल्यूज़ को ड्रॉप करना आइडेंटिफाई हमने परफॉर्म किया था। एक बार आप आइडेंटिफाई कर लो मिसिंग वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे यहाँ पे NaN आपकी मिसिंग वैल्यूज़ है। अगर आप कोई ब्लैंक डेटा रीड करते हो, चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जो ये मेरा डेटा सेट है। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू टूडे, सो इट इज़ आवर डेटा सेट। ओके, एंड आई वॉन्ट टू डिलीट समथिंग, लेट मी डिलीट सो दैट वी कैन चेक द मिसिंग वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड विद NaN। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वैल्यूज जो है मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये डेटा मेरा कहाँ सेव है, सेम फाइल में, सेम फोल्डर में जहाँ पे मेरा जुपिटर नोटबुक मैंने स्टार्ट किया था, सेम फोल्डर में है। इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रीड इम्पोर्ट पांडास एज PD फ्रेम pd.read_csv एंड data.csv। इफ आई रीड दिस डेटा, सो व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज। वहां मैंने ब्लैंक कर रखा है, तो क्या ब्लैंक आएगा और कुछ और आएगा, वो हम उसको वेरीफाई करते हैं, तो वो हमारा NaN वैल्यू आएगा। अगर आप चेक करो जितने भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो आपके NaN वैल्यूज़ हैं। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे ड्रॉप करते हैं। देन अगर आप ये df.dropNa यूज़ करेंगे, ये मेथड यूज़ करते हैं, तो जितने भी मिसिंग वैल्यूज़ आपके हैं वो डिस्प्ले नहीं होंगे। तो केवल 3 ऐसे रोज हैं जिसमें मिसिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती।
बाकी रोज में मिसिंग वैल्यूज थी जो आपका डिस्प्ले नहीं हुआ, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे थे सीरीज क्रिएशन, मैंने आपको बताया था। सीरीज, मल्टीपल सीरीज कैन क्रिएट डेटा फ्रेम, मल्टीपल सीरीज कैन क्रिएट डेटा फ्रेम। तो सीरीज से हम जो है स्टार्ट करते हैं। सीरीज से कैसे आपका डेटा फ्रेम क्रिएट होता है उसको हम परफॉर्म करेंगे कि मल्टीपल सीरीज से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल एक मैं बनाता हूँ लेबल, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ जो लेबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेबल में आपका ए एंड बी एंड सी, ओके ये आपका लेबल है। लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ लाइक 12, 14 and 15 एंड देन एक एरे भी क्रिएट कर लेता हूँ। एरे मान लो एरे इज arr इक्वल टू np.array और इसमें वैल्यूज मान लो मैं मेंशन कर देता हूँ 34, 56 and 45। अब मैंने np का यूज़ किया है, देन आई हैव टू इम्पोर्ट इट, इम्पोर्ट numpy as np। अब मैंने ताकि मुझे num वो क्रिएट करना था, एरे क्रिएट करना था वेक्टर, तो हमने जो है np.array यूज़ किया, एक लिस्ट पास की है, तो मुझे np इम्पोर्ट भी करना होगा। तो देन आई हैव इम्पोर्टेड by as np। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट डिक्शनरी। What exactly we are learning from series? How can we create a data frame? और series क्या है, जैसे कि वहाँ का vector होता था वैसे यहाँ पर series है। पांडाज में series होते हैं, multiple series can create data frame, ठीक है। अब एक dictionary बना लेते हैं। So dictionary को में क्या होता है, एक key होता है और एक value, key और value exist करते हैं। तो for example मैं इसको दे देता हूँ की वैल्यू ए सेम एंड इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू 44। देन नेक्स्ट की वैल्यू मान लो बी, इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका है 66, ओके। एंड थर्ड वन क्रिएट कर लेता हूँ सी और इसके करेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू एलोकेट कर देता हूँ 90, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, कोई एरर तो नहीं है। इनवैलिड सिंटैक्स, अब सिंटैक्स ये चेक कर लेते हैं, आपको ये लिस्ट पास करने की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली इसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट कर लेता हूँ डिक्शनरी, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूशन का मेथड क्या है, शिफ्ट एंटर कंट्रोल एंटर और रन टैब, आप ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ करना चाहता हूँ सीरीज, तो pd.series एंड डेटा इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट लिस्ट का डेटा पास करता हूँ, तो सीरीज को इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इट हैज़ एरर, ओके एरर आना अच्छा है, एटलीस्ट हमें पता तो होता है कि हम करेक्ट क्या करना है, ठीक है। सो हमने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट किया, लिस्ट से हमने एक सीरीज बनाया। तो लिस्ट से आप सीरीज बना सकते हैं। अब इस लिस्ट का अगर मुझे इंडेक्स से इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, 1, 2, अगर आप चेक इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, 1, 2, 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 12, 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 14 एंड सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 15। अब इसमें लेबल में इसका चेंज करना चाहता हूँ, देन व्हाट शुड आई डू, pd.series डेटा इक्वल टू लिस्ट एंड इंडेक्स में क्या चेंज कर देता हूँ, जो मैंने abc दिया है, इंडेक्स इक्वल टू मैंने क्या दिया था लेबल,
इसमें क्या चेंज होगा अगर ये सीरीज आपका एग्जीक्यूट होगा, तो यू विल फाइंड दैट इंडेक्स वैल्यू इज नाउ लेवल, और व्हाट इज द लेवल, अ लिस्ट, लिस्ट दैट कंटेन ए बी एंड सी आइटम, ए बी सी, ए बी एंड सी आइटम, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेम मिस्टेक मैं दोबारा तो नहीं कर सकता, इसलिए इसको कैप्चर कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट मी एग्जीक्यूट एट एनी पॉइंट। अगर आपका कुछ इशू आता है कि भाई आवाज़ नहीं आया, वॉइस क्लियर नहीं है, ऑडियो क्लियर नहीं है, देन यू कैन रिप्लाई। इन केस इवन विजिबिलिटी भी अगर क्लियर नहीं है तो वो उस पर भी आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने, आप देखो कि ये मैंने क्या किया है, सीरीज क्रिएट किया है लिस्ट से विद लेवल, ने डिफाइन कर रखा है ए बी सी, लेवल क्या डिफाइन कर रखा है ए बी सी। अगर एरे से मुझे सीरीज क्रिएट करना है देन व्हाट शुड आई डू, पी डी डॉट सीरीज, पी डी डॉट सीरीज एंड एरे नेम इज ए आर आर। नाउ यू मे चेक एरे नेम इज ए आर, और ये सक्सेसफुली आपको एक सीरीज क्रिएट करके दिया। अब इस एरे के साथ मैं चाह रहा हूँ कि सीरीज की इंडेक्सिंग हो, इस एरे के साथ क्या हो, सीरीज की जो है हो, देन व्हाट शुड आई डू, पी डी डॉट सीरीज, यहाँ पे क्या टाइप करना होगा, मैंने लिस्ट के साथ जो है सीरीज क्रिएट किया था, लिस्ट के साथ सीरीज क्रिएट, आई हैव क्रिएटेड सीरीज विथ लिस्ट, नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट सीरीज विद एरे, बट आई वॉन्ट टू गिव अ लेवल, सो फर्स्ट आई शुड पास एरे देन लेवल। तो हमें क्या होगा, एरे और उसका लेवल हम पास करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ यू मे चेक कि आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ सीरीज फ्रॉम एरे एंड गिवन अ लेवल विच इज ऑलरेडी डिफाइंड एज अ लिस्ट। नाउ फ्रॉम डिक्शनरी लास्ट सीरीज एंड आई हैव क्रिएटेड डिक्शनरी नेम डी आई सी टी, आई थिंक डी आई सी टी, ए इक्वल टू 44, बी इक्वल टू 66 एंड सी इक्वल टू 90, ए बी सी आर की एंड 44, 66 एंड 90 आर वैल्यूज। डायरेक्ट डिक्शनरी से मैंने डेटा फ्रेम भी क्रिएट किया था यूजिंग डेटा फ्रेम का स्ट्रक्चर। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आप डिक्शनरी क्रिएट करते हैं तो डायरेक्टली आप उसके लेवल और उसकी वैल्यू दोनों को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर इन केस, इन केस थोड़ा सा चेंज करते हैं, इंडेक्स इन ए सीरीज अगर मैं देना चाहूँ, एक डायरेक्ट लिस्ट पास करें और उसका इंडेक्स कुछ कुछ अच्छा सा दें कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो स्पोर्ट इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, और इस डायरेक्टली इसमें लिस्ट पास करो और उसके साथ उसके इंडेक्स वैल्यू हमें डिफाइन करनी है, ठीक है। डायरेक्टली अगर मैं इसमें लिस्ट पास करता हूँ, लिस्ट की वैल्यू मान लो हमारे पास 23, 67, 89, एक लिस्ट पास किया और लिस्ट के करस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे क्या इंडेक्स वैल्यू डिफाइन करते हैं, इंडेक्स इक्वल टू, अब इंडेक्स में क्या मेंशन कर दूं, कुछ भी आप, कोई स्पोर्ट्स है जिसकी मान लो कुछ रेटिंग देनी है, क्रिकेट दे दो, क्रिकेट की रेटिंग 23, देन चेस एंड नेक्स्ट इज, नाउ आई एम डायरेक्टली पासिंग द इंडेक्स वैल्यू एंड द लिस्ट। इन द प्रीवियस एग्जांपल आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट एंड देन लेबल्स एंड आई हैव पास द लिस्ट एंड लेबल सेपरेटली, नाउ आई वॉन्ट टू डायरेक्टली पास लिस्ट एंड लेबल्स। ओके, सो इट इज नेक्स्ट गेम फुटबॉल, सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस स्पोर्ट, यू मे सी आई हैव क्रिएटेड इंडेक्स एंड द वैल्यू, इंडेक्स एंड द जो आपकी वैल्यूज है एज अ लिस्ट,
ठीक है, अगर मुझे एक्सेस करना है कि क्रिकेट की रेटिंग वैल्यू क्या है, रेटिंग आप 5 में भी देख सकते हैं, 4, 3, 2 वो ज़्यादा बेटर होता है, तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि डेटा फ्रेम भी एक्सेस करने का मेथड, कि आप कैसे एक्सेस करोगे। फॉर एग्जांपल चेस के करेस्पॉन्डिंग रेटिंग वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, तो व्हाट विल यू डू, स्क्वायर ब्रैकेट विद इन स्क्वायर ब्रैकेट यू टाइप चेस, चेक करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आपकी आई है वो क्या आई है, दैट इज 67। ठीक है, सिमिलरली आप दो सीरीज को ऐड भी कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रुप एंड मर्ज एंड कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक या तो डेटा फ्रेम क्रिएट करें, कैसे, डिक्शनरी से। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे डिक्शनरी से डेटा फ्रेम क्रिएट कर रखे हैं, तो इंस्टीड ऑफ टाइपिंग अगेन लेट मी कॉपी पेस्ट इट, इट विल बी ईजी फॉर मी दिस डेटा फ्रेम। ओके, सी so from dictionary to data frame we have already learned how we can create data frame from dictionary. So here a name is there, Arun Pankaj AA. Now let me put it some good like Arun again, and Sachin, then the data frame. Okay, data frame from data frame constructor, isko execute karte hain, successfully execute ho gaya df2। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिटी, क्योंकि इसमें हर एक सिटी एक ही नाम है, तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले एक डेटा क्रिएट करते हैं। तो मैंने जो ऑलरेडी एक डेटा फाइल है इसको मैं चेंज करता हूँ। अब इसमें जो है कुछ और मेंशन करते हैं ताकि हम ग्रुप परफॉर्म कर सकें। ग्रुप बाय जो है सिमिलर है कि एक मान लो क्लास है, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट फीचर के आपके स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपको ग्रुप क्रिएट करना है। तो मान लो आपको मेल और फीमेल स्टूडेंट का ग्रुप क्रिएट करना है, तो आप क्या करोगे, उस पूरी क्लास को सेग्रीगेट करोगे मेल एंड फीमेल से। ओके, या फिर मैं कहूँ कि इसमें आप क्लास सेग्रीगेट करो जिसमें कुछ पढ़ने वाले बच्चे हों और कुछ स्पोर्ट्स लाइक करने वाले बच्चे हों। ठीक है, कुछ लोगों को अगर चॉइस दी जाए कि आपको लाइब्रेरी में स्टडी करना है, या कुछ लोगों को कहा जाए कि आपको जो है मैदान में खेलना है, तो कुछ बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करेंगे, कुछ मैदान में खेलना, तो ऐसे ग्रुप आप बना सकते हो। तो हमेशा दो ही ग्रुप नहीं, दो से ज़्यादा ग्रुप भी बन सकते हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ डेटा को, डेटा क्रिएट करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिटी में फेवरेट आइटम, इसको एफ आइटम कर देते हैं, मतलब कोई हर एक सिटी का कुछ ना कुछ फेमस होता है उसको देख देते हैं, उसका प्राइस। ठीक है, 3 मैंने कॉलम बनाया है सिटी, और उसका जो एक फेवरेट आइटम, जैसे दिल्ली में कुछ सबसे ज़्यादा फेमस हो कोई चीज़, मुंबई में बहुत ज़्यादा फेमस हो, बड़ा पाव शायद मुंबई में बहुत फेमस है, तो और उसकी प्राइस, इसका एक पहले डेटा सेट बनाते हैं और फिर उसमें हम ग्रुप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो डेटा सेट आप फटाफट बना लो, मैं भी बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली में कौन सा आइटम बहुत फेमस है, अब नहीं कोई स्वीट लिख देता हूँ। ठीक है, स्वीट बहुत फेमस है यहाँ पे, एंड द प्राइस ऑफ यूजुअली स्वीट इज़ 1000। ठीक है, 10 रोज़ का आप एटलीस्ट आपको क्रिएट करना है। मुंबई में वड़ा पाव, वड़ा लिख देता हूँ, एंड प्राइस इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट 100। एंड देन नोएडा इज़ ऑल्सो ए सिटी, और इसमें कुछ फेमस हो पराठे लिख लो। ठीक है, पराठे की प्राइस कितनी होगी, 200 पराठे होंगे। ठीक है, एंड गुरुग्राम इज़ अनदर सिटी, और इसमें क्या फेमस है, इसमें भी कोई चीज़ मेंशन कर लेते हैं, कुछ भी मेंशन कर लेते हैं गुरुग्राम में और क्या आइटम होते हैं, फ्रूट्स, FRUIT फ्रूट्स में मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल है, और यूजुअली फ्रूट लेते हैं। अगेन फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे दोबारा टाइप करने में टाइम ना लगे। अभी हम डेटा क्रिएट कर रहे हैं,
सेकेंड कोई आइटम जो बहुत फेमस हो लाइक चेयर, नॉट फेमस नहीं है बट मैं मेंशन कर रहा हूँ, बस डेटा क्रिएट कर रहा हूँ 2000 में। सेकेंड चीज़ पानी पूरी, पानी में मेंशन कर देता हूँ 100 को 200। एंड नोएडा में एक न्यू आइटम आप मेंशन कर लो जो ऊपर ऑलरेडी है, स्वीट स्वीट प्राइस इज 300। एंड फ्लावर्स गुरुग्राम में नेक्स्ट फ्लावर्स और प्राइस 4000। ओके सो आई हैव क्रिएटेड अ डेस्क विथ एट रोज एंड थ्री कॉलम्स, एंड कॉलम्स आर सिटी एफ आइटम इन जो आइटम है फेवरेट आइटम है प्राइस। आई होप कि आपने भी मेरे साथ क्रिएट किया होगा। इसको सेव कर देता हूँ। सेव आपको कैसे करना है, एज ए सी एस वी फाइल, मैंने ऑलरेडी सी एस वी फाइल में ही एडिट किया है तो इसलिए को मैंने डायरेक्टली सेव कर दिया। अब मैं उसको रीड करता हूँ। यस, इम्पोर्ट पांडास एज पी डी, इम्पोर्ट पांडास एज पी डी। एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी एंड डेटा फाइल नेम इज डेटा डॉट सी एस वी, डेटा डॉट सी एस वी। लेट मी एग्जीक्यूट, इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, लेट मी प्रिंट द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम मैंने प्रिंट किया है, अब ये मैं आपको दिखा दूँ, मेरा डेटा फ्रेम है और ये मेरा डेटा है। अब इसमें मैं ग्रुप आप परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो ग्रुप परफॉर्म करने के लिए मान लो मैंने ग्रुप बाय सिटी मेंशन किया, मैंने क्या मैं ग्रुप बाय सिटी, तो जो दिल्ली सिटी है उसका एक अलग ग्रुप बन जाएगा, मुंबई सिटी का अलग ग्रुप बन जाएगा, नोएडा सिटी का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो मी एग्जीक्यूट दिस ग्रुप बाय सिटी, df डॉट ग्रुप बाय सॉरी डॉट ग्रुप बाय सिटी। इसको मैं किसी न्यू डेटा फ्रेम में एलोकेट कर देता हूँ, न्यू df ndf। ओके, न्यू डेटा फ्रेम में इसको एलोकेट कर देता हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट न्यू डेटा फ्रेम, क्या आता है न्यू डेटा फ्रेम, अगर मैं इसमें चेक करूँ फ्रेम जो हमारा क्रिएट होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल न्यू डेटा फ्रेम, मैं इसको एक्सेस करूं, तो ग्रुप ऑब्जेक्ट है, इसको एक्सेस करता हूं लूप से फॉर, इसको लूप से एक्सेस कर लेते हैं फॉर जो मैंने सिटी में हमें चेक करना है, सिटी और किस में चेक करना है जो मेरा डेटा है, सिटी डेटा इन डेटा फ्रेम। न्यू डेटा फ्रेम है आपका, प्रिंट और एग्जांपल मैं प्रिंट कर दूँ सिटी। ठीक है, तो सिटी इन डेटा डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में हमारा क्या था, एलोकेट कर रखा है डेटा फ्रेम में। तो आपका दिल्ली गुरुग्राम मुंबई एंड नोएडा, तो कितने आपके सिटी हैं, दिल्ली गुरुग्राम मुंबई एंड नोएडा, फोर सिटीज़ यहाँ का यहाँ ग्रुप है। अब ये ग्रुप जो है एक बन कैसे रहे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने डेटा क्रिएट किया था,
ये डेटा क्रिएट किया था। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर देता हूँ तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि डेटा कैसे ग्रुप कर रखा है। सॉर्ट बाय सिटी से सॉर्ट हो गया। ओके, तो ग्रुप आपका क्रिएट हो जाएगा दिल्ली का। इसको डिफरेंट कलर में मेंशन कर दें। रेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्रिएट हो जाएगा गुरुग्राम। इसको कुछ और कलर मेंशन करें, ग्रीन। फिर आपका ग्रुप क्रिएट हो गया मुंबई का। एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो। आपने एक डेटा था, जब उसने ग्रुप बाय सिटी आपने परफॉर्म किया तो आपने उसमें डेटा को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, ये फोर ग्रुप क्रिएट कर रखा है, फोर ग्रुप मैंने इसमें क्रिएट कर दिया है। अब ग्रुप को मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इन क्रेस मुझे ग्रुप फाइंड चेक करना है कि जो मैंने ग्रुप मेरा स्प्लिट हुआ है एक्चुअली वो दिखता कैसे। तो NDF get group और create group, कौन सा ग्रुप फाइंड करना है, दिल्ली का। तो आप चेक कर सकते हो। तो दिल्ली की इंडेक्सिंग क्या है, 0 and 4, और सिटी नेम आपका दिल्ली है, और आइटम आपका क्या है, स्वीट एंड चेयर। ऐसे ही आप ग्रुप फाइंड कर लो। न्यू डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट किया था फ्रॉम एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम से आफ्टर ग्रुप बाय ऑपरेशन। NDF मैंने क्रिएट किया और गेट ग्रुप फॉर एग्जांपल नोएडा। सो नोएडा आपका किस इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2nd and 6th पे। ठीक है, तो ऐसे आप ग्रुप बाय परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अब मैं आपसे ये कहूँ कि हर एक ग्रुप में ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फ्रॉम ईच ग्रुप यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द आइटम। सो व्हाट विल यू डू, न्यू डेटा फ्रेम, सो यू मे सी दैट दिल्ली, इन दिल्ली द मैक्सिमम प्राइस इज 2000 और वो स्वीट की प्राइस है जो दिल्ली का ग्रुप बना था। अगर आप इसमें चेक करो, जो डेटा सेट मैंने बनाया था दिल्ली में जो बनाया था उसमें मैक्सिमम प्राइस आइटम क्या है, 2000 है। मैक्सिमम प्राइस आइटम आपका क्या है, 2000 है। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्वीट है, स्वीट का नहीं है, कुछ गड़बड़ है। NDF मैक्सिमम स्वीट, क्या मैं इसमें गलत कर दिया हूँ सॉर्टिंग में। चल इसको मैं चेक करता हूँ एंड मिनिमम चेक कर लेते हैं। NDF.min From each city you have to find the minimum value. Price जो है minimum value कौन सी है वो find करना है। तो दिल्ली में minimum आपका है 1000 चेयर। स्टार्टिंग में जो मैंने डेटा मैंशन किया था वो चेक करते हैं पहले। ठीक है, दिल्ली में 1000 प्राइस है, गुरुग्राम की प्राइस क्या है, फ्री में 100 मिनिमम प्राइस है, नोएडा 200 है। ओके, नाउ अब ग्रुप बाय में इन केस आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। अभी जो मैंने ग्रुप फाइंड किया है वो हर एक प्राइस का ये 10 है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 10 से 20 करता हूँ।
इसमें चेक करेंगे, इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। इसको 20 कर देता हूँ और आइटम को थोड़ा अलग करता हूँ, फ्रेम रैंडम सम वैल्यूज 12, अभी मेरे पास कितने हो गए 18 आइटम्स हो गए, सेव 18 आइटम्स हो गए, इसको मैं सेव किया, वहाँ से सीधे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो कमांड हमने एग्जीक्यूट किया है। एटीन सिटी आइटम्स हैं, अभी डेटा फ्रेम ये है। अब इसमें हम ग्रुप लगा देते हैं, एन डी एफ इक्वल टू, अभी जो डेटा फ्रेम है उसका नाम क्या है, डी एफ, डी एफ, और प्रीवियस में क्या नाम था, प्रीवियस डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट किया है उसका भी डी एफ है, ठीक है। डी एफ डॉट ग्रुप बाई, फिर अगेन सिटी मेंशन कर देते हैं। अभी मेरे पास डेटा सेट गया और चेक करते हैं एन डी एफ टू, अगेन सेम मिस्टेक, एन डी एफ टू डॉट गेट अंडर स्कोर ग्रुप, एन डी एफ डॉट गेट ग्रुप डेली। सो दिल्ली में 04812 पे है। अब मैं एवरेज वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ कि जो दिल्ली का एक ग्रुप है उसमें प्राइस जो है उसका एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक है, मीन वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू मैं उसको फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मीन वैल्यू फाइंड लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट जो डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हुआ है एन डी एफ टू मीन, तो दिल्ली का मीन आ जाएगा। और कितने ग्रुप क्रिएट हुए हैं, फोर, मैंने सिटी बनाया था, फोर सिटी के ग्रुप क्रिएट हुए हैं। तो यहाँ पे एन डी एफ टू डॉट मीन, इसको एग्जीक्यूट कर, एरर, एरर क्या है, टाइपिंग एरर, टाइपिंग एरर, यम ई, ओके अब चेक कर लेते हैं। तो टैली का जो आपकी मीन वैल्यू है वो है 2253 और गुरुग्राम का 2857, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में जब मैंने ग्रुप बाई में किया, मैंने एग्जिस्टिंग जो डेटा सेट था उसको कई ग्रुप में डिवाइड कर दिया, कई ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दैट इज़ स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग डेटा सेट इन मेनी ग्रुप। एंड आफ्टर दैट जब मैं मीन या एवरेज मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ तो उस ग्रुप में से मैं कैलकुलेशन परफॉर्म करके कंबाइन एक रिजल्ट डिस्प्ले करूँगा, उस ग्रुप में से कंपेरिजन करके कंबाइन रिजल्ट जो है मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन केस स्टेटिक्स आपको इसकी क्या, इसका स्टेटिस्टिक्स है, सो एन डी एफ टू, और स्टेटिक्स फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइब, अगर किसी डेटा सेट की स्टेटिक्स फाइंड करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब। तो ये आप चेक कर सकते हो कि दिल्ली, दिल्ली में टोटल काउंट कितनी है, दिल्ली की सारे की इक्वल काउंट है 444 आपके आइटम्स हैं, फोर रोज हैं दिल्ली का, फोर गुड़गांव का, फोर मुंबई, फोर नोएडा, मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम आप इसमें चेक कर सकते हैं डिस्क्राइब से। इन केस इसकी साइज चेक करनी हो डेटा, आपके जो डेटा फ्रेम है, तो एन डी एफ टू डॉट साइज, तो आपको साइज पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली जो आपका ग्रुप डेटा फ्रेम हुआ है उसकी साइज क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ग्रुप बाई परफॉर्म कर सकते हैं। तो ग्रुप बाई पे हमने क्या चेक किया कि ग्रुप बाई में जो है ग्रुप जो होता है उसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, और स्प्लिट करके उसमें हम रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कॉन्केटिनेट लर्न करेंगे कि ऐसे टू डेटा फ्रेम को हम कॉन्केटिनेट करेंगे। तो पहले हम डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी, तो एक क्रिएट कर लेते हैं, इम्पोर्ट पांडास
स्पीडी एंड नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम. तो फॉर एग्जाम्पल एक डेटा फ्रेम कर लेते हैं डेली का, डेली का डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं. ओके और पी डी डॉट डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर, डेटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर. प्रीवियसली हमने क्या किया था, एक डिक्शनरी में आपका की और वैल्यूज़ क्रिएट किए थे और उसको डेटा फ्रेम में पास कर दिया. अभी मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली भी मैं कर सकता हूँ. और इसमें डेली में प्लेस कर देता हूँ, प्लेस, प्लेस इज अ की, कई प्लेस हैं, उस प्लेस जो की है उसके वैल्यूज़ में पास कर देता हूँ, तो वैल्यूज़ एज ए लिस्ट पास कर देता हूँ. तो लिस्ट जैसे रोहिणी एक प्लेस है एंड सीपी कनाट प्लेस. अब पूरा सीपी का नाम तो नहीं लिख रहा हूँ, सीपी कनाट प्लेस डिफेंस कॉलोनी, ठीक है, हौज खास डिफेंस कॉलोनी लिख देता हूँ डीसी, ठीक है, डिफेंस कॉलोनी, ठीक है. थ्री थ्री आइटम बहुत है. तो एक मैंने दिल्ली का एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें प्लेस मैंने मेंशन कर रखा है एज अ की. अब उस प्लेस पे पोल्यूशन लेवल, पोल्यूशन लेवल का बताऊँ तो पोल्यूशन लेवल को मैं दिखाता हूँ पीएल से. पोल्यूशन लेवल एग्जैक्टली क्या है, वैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हाई होता है.